नमस्कार, हेलो जी, कैसे हैं आप सब? दिस इज़ बासु एस्टेक 268 एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं हूँ ऋषिकेश में, फिर से ऋषिकेश में हूँ और मैं गंगा मैया के घाट के पास बैठा हुआ हूँ और बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग हवा चल रही है इधर। और आज का जो ब्लॉग होगा वो होगा भूतनाथ टेम्पल के ऊपर। यहाँ से आई होप मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। आप देखिएगा कि मैं जूम कर रहा हूँ और ये आपको ऊपर देख रहा होगा ना, ये बस ये है आपका भूतनाथ टेम्पल जो पहाड़ों में यहाँ से दिख रहा है। भूतनाथ टेम्पल शिव जी का टेम्पल है, वो बहुत ही एंशियंट टेम्पल है और बहुत स्टोरीज है उसके ऊपर, मैं आपको जाके बताऊँगा। फिलहाल तो मैं बैठा हूँ जानकी सेतु के पास। यहाँ से टू व्हीलर आराम से पास कर जा सकती है और राम जो झूला है वो थोड़ा कंजस्टेड है, ठीक है। और यहाँ आपका टू लेन है आपका टू व्हीलर्स के लिए, तो ये थोड़ा आसान पड़ता है जो टू व्हीलर्स में आ रहे हैं। तो मैं तो गाइस, ये है आपका जानकी सेतु और ये एक सस्पेंशन ब्रिज है और इसको क्रॉस करके हम जाएंगे भूतनाथ टेम्पल के लिए। तो चलते हैं। भूतनाथ टेम्पल के लिए कहाँ जा रहे हैं? इस साइड है, यहाँ एक चौक आएगा, यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ आपका पुलिस चौक पोस्ट और थला। ये है आपका भूतनाथ टेम्पल, तो चलते हैं। ये आपका प्राचीन भूतनाथ महादेव मंदिर और इसका ये आपका एंट्री गेट है। यहाँ पे जो बरात, जो भगवान शंकर जब विवाह हुआ था तो बरात आई थी अपनी काशी से। अच्छा। उत्तरकाशी गंगोत्री गौमुख से। हाँ। यहाँ पे भगवान शंकर ने जो है भूतों को स्थान दिया था। हाँ, यहाँ पे आज भी जो भगवान शंकर ने भूतों के साथ खिचड़ी का भोग लिया था। हाँ। आज यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद बनता है। अच्छा। हर रोज तो कहते हैं जब माँ नैना ने ब्रात को देखा तो बेहोश हो गई थी, कहा कि मेरी बेटी पागल हो गई, भूतों से शादी करने जा रही है और उन्होंने जो है बेहोश हो गई, गिर गए। अच्छा। तो माँ सती ने यहाँ से, आपने देहरादून टपकेश्वर महादेव सुना होगा, गए होंगे वहाँ पे, माँ सती ने तप किया था तो भगवान शंकर यहाँ पे भूतों को स्थान दिया था। यहाँ से दक्षिणागिरी ब्रात का अंखल गई थी। दक्ष प्रजापति क्यों कहते थे? वो पूरे प्रजा के राजा थे, वैसे वो ब्राह्मण थे, दक्ष जो थे ब्राह्मण थे, सती के जो पिता थे ब्राह्मण थे। तो आज शंकर भगवान जो ब्राह्मणों के भी दामाद हैं। तो वहाँ पे आप गए होंगे टपकेश्वर महादेव में, वहाँ पे देखो आपने पहाड़ से चार थान बने हुए हैं जिनसे दूध भी टपकता है, पानी भी टपकता है। तो कहते हैं कि भगवान शंकर ने वहाँ पे शिवलिंग गौ माता ने दूध से उनको नहलाया था। अच्छा। वहाँ पे माँ सती ने जब तप किया तो भगवान शंकर यहाँ से गए थे। जब माँ सती सती हुई थी तो यहीं से भगवान शंकर ने वीरभद्र को अपनी जटा मारी थी, जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुए थे, जो दक्ष जी की गर्दन को भी काट दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये घंटे 11 घंटे पे, हाँ, इन पे अलग अलग आवाज आती है, आप बजा के देखो। और यहाँ पे हर ऊपर जाओगे तो आप शंकर जी का प्रात का दर्शन होंगे आपको। हाँ, इनका मेन शिवालय ये ऊपर भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, आप जाके दर्शन करें। शिवालय जो होता है हमेशा शमशान के पास होता है। यहाँ पे सामने पुनानंद घाट है, यहाँ पे ये वो है गीता भवन का घाट है, शमशान घाट है, ये शिवालय यहाँ पे। अच्छा। आज बोलो शंकर भगवान की जय। ये एक फैसिनेटिंग फैक्ट्स है कि अगर इसको आप बजाए ना तो हर एक बेल से अलग अलग साउंड निकलेगी। तो इस घंटी से यहाँ कुल 11 घंटी है। आप जब एंटर होंगे ना ये प्राचीन महादेव जो भूतनाथ टेम्पल के अंदर, तो सबसे पहले आपको ये मंदिर मिलेगा और शिवलिंग मिलेगा आपको शिव जी का। और ये आपका 11 घंटे हैं सब साइड से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर साइड पे, ठीक है, टोटल 11 हैं। और सब घंटियों से अलग अलग आपका साउंड निकलता है, ठीक है, तो ये बता रहे हैं। तो मैं एक बार
को टेस्ट करके देखता हूँ। ये मैंने एक बजाया, इसका एक अलग सा साउंड है, इसको मैं बजाता हूँ, इसका साउंड देख। हाँ, इसका भी अलग सा साउंड है। ठीक है, मैं सब टेस्ट तो नहीं करूँगा, तो कुछ टेस्ट करके देखता हूँ, इसको देखता हूँ। देखिए, सब घंटियों का साउंड है ना, टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो चलते हैं गाइस अभी ऊपर। टेम्पल बस 5 मिनट का ट्रैक था, टेम्पल ही है ना। एंड वी रीच्ड, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भूतनाथ टेम्पल। जी बाबा, और ये देखिए यहाँ भी आपका टेम्पल है, एंड यू कैन गो मोर ऊपर भी आपका, और आप स्टेयर्स लेके ऊपर जा सकते हैं, लोग ऊपर खड़े हैं। यहाँ आपका, यहाँ भी आपका शिवलिंग है। जय शिव शंभु, जय शिव शंकर। यहाँ काफ़ी शिवलिंग, यहाँ और एक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है आपका 10। ये घंटे भी 10 हैं, मैं आपको बताने वाला था। और ये देखिए, दिस इज ऋषिकेश, ऊपर से पूरा ऋषिकेश दिख रहा है। और आपको मैं दिखाता हूँ, वो जो है ना, ये आपका जानकी सेतु, तो यही मैंने क्रॉस करके फिर वहाँ से मुड़ के मैं इधर आ गया। तो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, आप आराम से आ सकते हो जानकी सेतु तक, और वहाँ से पैदल भी आप ट्रैक कर सकते हो, गाड़ी आप उधर ही पार्क कर लो, नो प्रॉब्लम। बाबा जी ने बताया कि ये अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी यहाँ शिव जी भगवान आए थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ रेस्ट किया था जब वो माता सती जी से विवाह करने जा रहे थे, ठीक है, तो यहाँ रुके थे। तो भूतनाथ टेम्पल इसलिए पड़ा क्योंकि वो भूतों के साथ आए थे, ठीक है, उनका जो बारात था उसमें पूरे भूत थे, तो इसलिए वो खुद ही, आप जानते हो कि शिव जी खुद ही शमशान घाटों में वास करते हैं, वहीं अपना ध्यान करते हैं, ठीक है। श्री नंदी जी, और ये लोकेशन देखिए, एरिया देखिए, कितना शांत है, कोई हलचल नहीं, कोई क्राउड नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। और ये जो आप सब देख रहे हैं ना, दिस इज़ ऑल राजा जी फॉरेस्ट, ये राजा जी फॉरेस्ट के अंडर में आता है, तो सब तरफ से आपका राजा जी फॉरेस्ट से ढका हुआ है, कवर्ड है, और इस साइड से आपको पूरा व्यू दिख मिलेगा, ठीक है, गंगा जी आपका। और यहाँ आपको
आपका जानकी सेतु, फिर आपको यहाँ ये आपका राम झूला है और लक्ष्मण झूला उस साइड है, वो दिख नहीं रहा है, आई थिंक ऊपर जाके दिखेगा। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं थोड़ा। तो आप कभी भी आप ऋषिकेश आते हैं तो ये तो बहुत क्लोजेस्ट लोकेशन आप आ सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही पैनारोमिक व्यू मिलेगा। ठीक है, मतलब ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा आपको, पूरा ऋषिकेश यहाँ से दिख जाएगा। बताओ तो आप क्यों नहीं आओगे इधर, बताओ। ये देखिए फिर से पूरा ऋषिकेश, यहाँ से आप बैठ के पूरा ऋषिकेश कवर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट लोकेशन, अगर आपको पूरा ऋषिकेश का 360 व्यू चाहिए तो आप आ सकते हैं यहाँ, और ज़रूर आइएगा। आ सकते हैं कि आप ज़रूर आइएगा यहाँ। और मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे पूरा अच्छा व्यू मिल रहा है मुझे, बहुत ही बढ़िया व्यू मिल रहा है ऋषिकेश का। और ये पूरा कवर्ड है जंगल से, राजा जी फॉरेस्ट। लास्ट टिप इससे ऊपर है क्या, और तो हम काफी हाइट पे आप पहुंच चुके हैं। जस्ट वाओ। तो ये ठीक आपका परमात निकेतन जो है ना आश्रम, परमात निकेतन आश्रम के पीछे ही है। ये आपका लास्ट टिप है, इससे ऊपर और नहीं है, इससे ऊपर नहीं है ये आपका। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप इतना अप्रिशिएट करते हैं मेरे कंटेंट को, वीडियोस को, तो इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। तो मैं आज का ब्लॉग यहाँ एंड करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिखाने का कुछ था नहीं आज, मुझे बस ये भूतनाथ टेम्पल दिखाना था। तो ये ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, तो आप कभी भी ऋषिकेश आओ तो इस टेम्पल को ज़रूर आप कंसीडर करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपको व्यू मिलेगा ना वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ज़रूर आइएगा, ट्राई करिएगा, यहाँ से आपको 360 डिग्री आपको ऋषिकेश का पूरा व्यू मिलेगा, और इस साइड आपका राजा जी नेशनल पार्क, और इस साइड आपको पूरा ऋषिकेश सिटी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।